क्या तुम ये कौन सा संगीत वाद्य है इसका अनुमान लगा सकते हो? यह तानपुरा की ध्वनि है। यह वाद्य साथ देने के लिए होता है और वैयक्तिक सादरीकरण के लिए नहीं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्यों के वर्गीकरण चार प्रकार में करते हैं। तार वाद्य, सुषीर वाद्य, बंधन वाद्य, चर्म वाद्य, घन वाद्य। वीणा जैसे तार वाद्य में फ्रेट और तारे होती हैं, जो नाखूनों से छेड़ी जाती हैं। सितार भी ऐसा ही एक वाद्य है। सरोद में फ्रेट नहीं होते और उसे भी नाखूनों से ही बजाते हैं। सारंगी और वायलिन धनुष से बजाए जाते हैं। संतूर भी एक तार वाद्य है, जिसे छड़ी की मदद से तारे छेड़कर बजाते हैं। शंख एक प्राकृतिक सुषीर वाद्य है और जिसे मुंह से हवा भरकर बजाते हैं। बांसुरी भी एक प्रसिद्ध सुषीर वाद्य है। हवा के स्तंभ की लंबाई के बदलाव के कारण अलग सूर तैयार होते हैं। शहनाई के मामले में रीढ़ के बीच में हवा भरी जाती है और उसके कंपन के कारण ध्वनि निर्मित होती है। हारमोनियम में फ्लैप्स में हवा भरकर बजाया जाता है, जिसमें रीढ़ भी होती है। चर्मवाद्य हथेली और उंगलियों के आघात से बजाए जाते हैं, जैसे कि मृदंगम, पखवाज और तबला। इस वर्ग के कुछ वाद्य हथौड़ी से बजाए जाते हैं, जैसे कि चौघड़ा और ढोल। घनवाद्य धातु, मिट्टी या लकड़ी से बनाए जाते हैं। उनको ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता है और उनका उपयोग ताल देने के लिए करते हैं। घटम, करताल, जंजीरा। आधुनिक वाद्य जैसे कि सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा इत्यादि, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वाद्य हैं। तुमने सार्वजनिक स्थानों पर, त्योहारों में, सांस्कृतिक सम्मेलनों में ये देखा होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र तो हर जगह होते हैं। ये स्पीकर अथवा माइक्रोफोन में बज रहे संगीत को परावर्धित करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? हमें पता है कि विद्युत वाहक विद्युत धारा के वहन पर चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करता है। हमें ये भी पता है कि समान ध्रुव विकर्षित तो विरुद्ध ध्रुव आकर्षित होते हैं। स्पीकर में अंदर एक कागज को कॉइल जुड़ी होती है। उसके पास एक शक्तिशाली चुंबक होता है। संकेत मिलने पर कॉइल से विद्युत धारा संचरित होती है। इसके कारण कॉइल से जुड़े पेपर में कंपन होता है और यह कंपन ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो हम रोज के जीवन की वस्तुओं से एक स्पीकर बनाएंगे। हम गुब्बारे को हमारे कंपन के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। गुब्बारे को काटकर हम प्लास्टिक की बोतल के खुले द्वार पर लगाएंगे। छोटे रिंग के आकार का चुंबक हम गुब्बारे को जोड़ेंगे। 100 फेरों की एक कोटेड तांबे की वायर हम लेंगे। इस लूप को हम रिंग जैसे चुंबक के पास रखेंगे। जब रेडियो से हम कॉइल को संदेश देंगे, तब संचालित की हुई विद्युत धारा के कारण वह चुंबकीय गुण प्राप्त करती है। इससे चुंबक का आकर्षण अथवा विकर्षण होता है। तब हम रेडियो स्टेशन अथवा म्यूजिक प्लेयर पर जो ध्वनि आ रही है वह सुन सकते हैं। तुम स्वयं इसे बनाने का प्रयास करो। कृति। पानी और विविध प्रकार के धातु, कांच, चीनी मिट्टी, मटके जैसे बर्तनों का उपयोग करके जल तरंग बनाओ। घंटियां विविध आकार और प्रकार में आती हैं। छोटी पूजा की घंटी से लेकर चर्च की बड़ी घंटी, मंदिर की घंटी। तुम्हारे पास की जगहों पर जाकर विविध प्रकार की घंटियां देखो। सारांश। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले अनेक संगीत के उपकरणों पर हमने चर्चा की है। ध्वनि विस्तारक यंत्र कैसे कार्य करते हैं ये समझा और एक आसान सा स्पीकर बनाया। रोज की वस्तुओं से ऊपर चर्चित चार वर्गों में किसी एक वर्ग में बैठने वाले संगीत के आसान उपकरण का निर्माण करने का प्रयत्न करो।